एक मुझसे किसी ने पूछा था कि जैसे ABS होता है गाड़ी में, आजकल की सब गाड़ियों में ABS आ रहा है, तो उसमें आप इमरजेंसी ब्रेकिंग करते हो, जो भी तरीका होता है वो मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। लेकिन अगर किसी पे ऐसी गाड़ी है जैसे ऑल्टो ऑल्टो पुरानी और क्या गया, फिर ऐसी गाड़ी है जिसमें ABS नहीं है, नॉन ABS गाड़ी है, तो अगर उसमें इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी हो तो कैसे करेंगे, तो चलो वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, ABS वाली में तो मैंने बता दिया, अगर इमरजेंसी या पैनिक ब्रेकिंग कर रहे हो सीधा ब्रेक क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी बंद होती है होने तो जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, स्टार्ट कर लेना अगर ज़िंदा रहोगे तो। तो आप जैसे ये नॉन ABS गाड़ी है, ठीक है, ओल्टो 2015-16 मॉडल, तो अब मैं बता देता हूँ। अगर 80 की स्पीड में लेके चल रहा हूँ, ABS क्या करता है, रोटर आपकी घूम रहे, चलो पहिया मान लो ऐसे घूम रहे, तो लॉक नहीं होने देता, रोकेगा छोड़ेगा रोकेगा छोड़ेगा, ऐसे चलता है। ठीक है, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी कि कैसे काम करता है। तो अगर नॉन ABS गाड़ी है उसे कैसे रोकना होता है, तो 80 तक लेके जाता हूँ फिर मैं बताता हूँ, पकड़ के बैठी हो। हार्ड ब्रेकिंग करके दिखा दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। जो चीज़ ABS करता है वो इस गाड़ी में ABS नहीं है तो नहीं करेगा, तो वो हम पैर से करते हैं। सेम जो रोकने और ब्रेक छोड़ने का तरीका वो पैर से कैसे करते हैं, जैसे 80 है, ठीक है, फ्यूल पंप है, कोई आने वाला है, सीधा ब्रेक, ब्रेक छोड़ा फिर दबा दिया, छोड़ा फिर दबा दिया, ये होती है जो ABS करता है। अगर नहीं है तो आप कैसे कर सकते हो, एक बार फिर करके दिखा देता हूँ। फुट मूवमेंट दिखाना यार अगर मेरी पॉसिबल है तो अब की बार, ठीक है, सामने नहीं, मेरा फुट मूवमेंट दिखाना। चलो अब फुट मूवमेंट आई होप क्लियरली दिख रही होगी। ठीक है, वापस 80 की स्पीड लेके जाता हूँ, अब दिखा देता हूँ, कोई क्लच नहीं, सीधा ब्रेक छोड़ा फिर दबा दिया। तो जो चीज़ ABS करती है ना वो आप पैर से भी कर सकते हो, ये तरीका होता है। क्योंकि क्या होता है कि नॉन ABS गाड़ी में अगर आप पूरा ब्रेक फुल ब्रेक दबा कर रखते हो तो गाड़ी स्किड होती है, इसमें मुझे फील होता है एक माइक्रो सेकेंड के लिए फील होता है कि गाड़ी इधर उधर खींच रही है। ठीक है, तो इन केस अगर आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी होती है और अगर आपके ढंग से ये चीज़ दिमाग में बैठ जाती है कि ऐसे करना होता है, तो एक लास्ट टाइम अभी मैं करके दिखा देता हूँ, बहुत छोटी और क्रिस्प वीडियो, ठीक है, इसमें ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। चलो मैं एक लास्ट आपको 100 की स्पीड पर करके दिखा देता हूँ। ठीक है, 80 तक हो गया, अब 100। ढंग की ब्रेकिंग मतलब सबके बस की नहीं होती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो ब्रेकिंग की प्रैक्टिस करो। अब 100 पे करके दिखा दूंगा और इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। एक्चुअली मैंने ब्रेजा की ड्राइविंग सीरीज़ में बताया था कि आप फर्स्ट गियर में बिना रेस के खाली क्लच में उठा सकते हो, तो कुछ लोग कह रहे हैं हमारी वैगनार हमारी ऑल्टो नहीं उठती हैं, आपकी 1500 cc इसलिए उठ गई होगी। ऑल्टो में करके दिखा दूंगा, इसी ऑल्टो में 1000 cc का इंजन है, खाली क्लच से कैसे उठाते हो बिना रेस के। ठीक है, तो वो वीडियो इससे नेक्स्ट आएगी। अब 100 लेके चलता हूँ और मेरी फुट मूवमेंट दिखाना यार। ठीक है, 100 अभी हुई नहीं है, 90 है। चलो आप करके देखते हैं। ठीक है, 95-100 है, ब्रेक दबाया छोड़ा, दबाया फिर छोड़ दिया, देखा थोड़ी सी स्किड हुई थी। तो ये होता है अगर आप फुल ब्रेक दबा कर रखोगे और फिर गाड़ी इधर उधर कहीं भी जा सकते, बहुत रिस्की चीज़ है, ब्रेक दबा के छोड़ दो, दबा के छोड़ दो। ठीक है, ये तरीका होता है नॉन ABS कार में इमरजेंसी ब्रेकिंग का। वैसे तो आजकल हर गाड़ी में ABS ही आ रहा है, बट अगर आपके पास जैसे ये गाड़ी है, पुराना वेरियंट है, पुराना मॉडल है विदाउट ABS, तो उसमें आप ये टेक्टिक्स आप अपना सकते हो। एक और चीज़ होती है इमरजेंसी ब्रेकिंग में, चाहे आपके फिर ABS हो चाहे नॉन ABS हो, हैंड ब्रेक का यूज़, जैसे अभी 80 है, ठीक है, तो थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है, गाड़ी पीछे से घूम सकती है। अगर ABS नहीं है गाड़ी में, हैंड ब्रेक का यूज़ उसी गाड़ी में करना जिसमें ABS है, ताकि घूमे ना गाड़ी पीछे से। ये विदाउट ABS है, नॉन ABS है, इसमें हैंड ब्रेक का रिस्क मत लेना, गाड़ी ऐसे पीछे से घूम जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।
तो ये वीडियो कैसे लगी बता देना किसी के साथ लगे कि उसको जरूरत हो उसे शेयर कर देना।